कोरोना पर शिवराज्य कैबिनेट की बैठक। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना का विकराल रूप देखते हुए शिवराज सरकार ने तय किया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के 1,00,000 डोज हर माह उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना पर शिवराज्य कैबिनेट की शुक्रवार देर शाम बैठक हुई। पिछले एक सप्ताह से इस इंजेक्शन को लेकर प्रदेश में हाहाकार मच रहा है। सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने से इनकार किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई सामान्य हो चुकी है। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलाज की हर संभव व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में 3 दिन में 3 गुना अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। 3 दिन पहले जहां 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी, वही आज 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई। प्रदेश में प्रति माह 1,00,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज उपलब्ध कराई जाएगी। मरीजों के लिए 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। इंजेक्शन की आपूर्ति आरंभ हो गई है। 1,00,000 बेड का इंतजाम। जी हां दोस्तों, बता दें, भोपाल में शुक्रवार को रिकॉर्ड 736 और जबलपुर में 369 नए संक्रमित मिले हैं। बैठक में शिवराज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने पहले बेड की संख्या 24,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का निर्णय लिया था, लेकिन संक्रमितों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ने के कारण अब बेड संख्या 1,00,000 की जा रही है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना संक्रमण प्रबंधन पर प्रतिदिन ब्रीफिंग। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसी प्रकार के पैनिक की आवश्यकता नहीं है। कोरोना संक्रमण के प्रबंधन पर प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिंग कर स्थिति की जानकारी दी जाएगी। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समाज के सहयोग से कोरोना की स्थिति को नियंत्रित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बैठक में तय किया गया प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान प्रतिदिन 5,00,000 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण अधिक फैल रहा है, वहां वैक्सीनेशन के लिए विशेष गतिविधियां संचालित की जाएगी। इसके साथ ही इन जिलों में किल कोरोना 2 भी संचालित किया जाएगा। होम आइसोलेशन के लिए मिलेगी मेडिकल किट। जी हां दोस्तों, बता दें, संक्रमण नियंत्रण के लिए बड़े शहरों में बड़े कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए मेडिकल किट के साथ साथ डॉक्टरों की विजिट की व्यवस्था की जा रही है। कोविड सेंटर पर पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी जांचों तथा अस्पतालों की दरें तय कर दी गई है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों, जांच और इलाज के निर्धारित दर से अधिक दर लेने वाले अस्पतालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तर पर मंत्रियों की जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर मंत्री परिषद के सदस्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वर्तमान में जो मंत्री जिस जिले से है, वे उस जिले में व्यवस्था संभालेंगे। जिन जिलों में एक से अधिक मंत्री है, वे आसपास के जिलों की व्यवस्था देखेंगे। इंदौर में तुलसीराम सिलावट, रतलाम में जगदीश देवड़ा, भोपाल में विश्वास सारंग, ग्वालियर में प्रद्युमन सिंह तोमर, मंदसौर व नीमच में हरदीप सिंह डंग, शाजापुर में इंद्र सिंह परमार को जिम्मेदारी दी गई है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक के बाद अफसरों की आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जहां सघन आबादी वाले शहरी इलाकों में लंबा लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत भी राजधानी भोपाल से की जा चुकी है। वहीं अफसरों के साथ मीटिंग करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखा जाएगा। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि अब से लॉकडाउन के स्थान पर कोरोना कर्फ्यू शब्द का उपयोग किया जाए, जिससे लोगों के अंदर कोरोना को लेकर सतर्कता बनी रहे। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि जिले में स्थिति के अनुसार कंटेनमेंट जोन बनाए जाए और छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन में कोरोना कर्फ्यू की स्थिति लागू की जाए। वहीं सीएम शिवराज ने अफसरों को जिले की स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की रक्षा सरकार का दायित्व है और इसमें किसी भी तरह की कोताही बरती नहीं जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।